लोगों का काम इधर से कंप्लीट हो गया और हम लोग निकलते हैं दूसरे साइड के लिए। अभी कुछ पल में आप लोगों को बताएंगे कि कौन सा स्टेट है, कौन सा जगह है, वहाँ पे जाके आपको दिखाएंगे जिस साइड पे हम लोग काम करेंगे। क्योंकि मैं जब वहाँ पे बस स्टैंड से आ रहा था तो फिर मैंने कुछ टाइम पहले देखा तो वहाँ पे जैसे मड़ी का घर था, तो मड़ी के घर के अंदर जाके देखा तो ऐसा नहीं कि बाहर से मड़ी का घर दिख रहा है, अंदर से जाके देखेंगे तो मतलब उसमें टीवी पंखा विंखा सब कुछ उसमें लगा हुआ रहता है। क्योंकि अभी हम लोग के गाँव साइड में मतलब मड़ी का घर बहुत कम मिलेगा, मिलेगा भी तो उसमें क्या है गाय वाय को जैसे रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु में अभी भी देख रहा हूँ मतलब सिटी साइड में चाहे गांव साइड में मतलब ज़्यादा मिलेगा, सिटी साइड में उतना शायद मिलेगा नहीं, मिल भी सकता एक दो, लेकिन गांव साइड में जैसे। तो हाय एवरीवन, आज हम लोग इस स्कूल से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे काम ख़त्म हो चुका है हम लोगों का। तो ये जैसे तंबीकोटई है और तंबीकोटई से भी हम लोग जाएंगे दूसरे साइड पर, जो कि यहाँ से मतलब 2 से 2.5 घंटे का टाइम लगेगा। फिर अभी यहाँ से जाएंगे बस स्टैंड पर, बस स्टैंड से बस पकड़ेंगे फिर वहाँ से जाएंगे दूसरे साइड पे, फिर बस में जाएंगे, फिर वहाँ का भी वीडियो बनाएंगे। और ये जो कि यहाँ का स्कूल है मतलब सबसे बड़ा स्कूल है तंबीकोटई का, NR पब्लिक स्कूल। थोड़ा बाहर से देख लेते हैं मतलब स्कूल का नाम क्या है। ये वो स्कूल है जहाँ पे हम लोगों ने किया है। तो ये पीछे बस भी खड़ी है, ये तमिलनाडु में ये बहुत लंबा चौड़ा एरिया है। हाय, हम लोगों का काम इधर से कंप्लीट हो गया और हम लोग निकलते हैं दूसरे साइड के लिए। अभी कुछ पल में आप लोगों को बताएंगे कि कौन सा स्टेट है, कौन सा जगह है, वहाँ पे जाके आपको दिखाएंगे जिस साइड पे हम लोग काम करेंगे। ओके, थैंक यू, चला जाए। हाँ ओके। ये ये हम लोग पट्टी कूटे ही उतर गए आके और अब हम लोग को यहाँ से जाना है दूसरे साइड पे। ये पट्टी कूटाई का सीन है, मतलब मैं तमिलनाडु में मतलब ऐसा खुला वीडियो पहली बार बना रहा हूँ क्योंकि कभी कोई साथ में मिलता ही नहीं है, तो पहली बार ऐसा एकदम ओपन वीडियो बना रहे थे। आगे भी देख के चलते हुए गाड़ी वीडी आती जा रही है। अब जाना पड़ेगा भाई। तमिलनाडु में जैसे ज़्यादा करके आप लोगों को वही लोग मिलेंगे लुंगी वाले, ज़्यादा करके देखिए पीछे आ रहे हैं तो ज़्यादा करके आपको यहाँ पे जैसे लुंगी वाले ही लोग मिलेंगे अक्सर। तो अभी धीरे धीरे मतलब पैंट वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया, नहीं तो ज़्यादा करके यहाँ पे लोग लुंगी वाले ही मिलते हैं। और ऐसी है दुकान है और ये यहाँ का ऑटो है। तो ओके बाय। ये हम लोग को रूम मिला है सामान रखने के लिए। तो आए तो उस दिन यार तंबीकोटई से सब लोग चले थे, मतलब सारे के सारे लोग थे। तो आज के दिन पे यहाँ पे मैं अकेला हूँ जैसे रूम, क्योंकि बाकी जो सारे लोग तो सारे लोग वहीं को छूट गए, क्योंकि वहाँ पे जैसे तंबीकोटई से हम लोग को जाना था शायद थंजावुर के पहले एक मंदिर है, कौन सा टेम्पल है, फिर वहाँ पे जैसे हम रुके थे, फिर वहाँ से फिर मैं अकेला यहाँ पे आया हूँ रूम में। तो यहाँ पे जैसे साइड पे काम चालू है। और चेन्नई में अभी भी जैसे मड़ई वाला घर नहीं होता था हम लोग के यहाँ पे, चेन्नई में अभी भी मड़ई वाला घर मिलेगा जिससे ऊपर से पूरा वीरा डाल के घर बनाए रहते हैं। क्योंकि मैं जब वहाँ पे बस स्टैंड से आ रहा था तो फिर मैंने कुछ टाइम पहले देखा तो वहाँ पे जैसे मड़ी का घर था, तो मड़ी के घर के अंदर जाके देखा तो ऐसा नहीं कि बाहर से मड़ी का घर दिख रहा है,
अंदर से जाके देखेंगे तो मतलब उसमें टीवी टीवी पंखा विंखा सब कुछ उसमें लगा हुआ रहता है, क्योंकि अभी हम लोग के गांव साइड में मतलब मड़ई का घर बहुत कम मिलेगा, मिलेगा भी तो उसमें क्या है गाय वाय को जैसे रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु में अभी भी देख रहा हूँ, मतलब सिटी साइड में चाहे गांव साइड में, गांव साइड में मतलब ज़्यादा मिलेगा, सिटी साइड में उतना शायद शायद मिलेगा नहीं, नहीं मिल भी सकता एक दो, लेकिन गाँव साइड में जैसे ज़्यादा है यहाँ पर तमिलनाडु साइड में। मैं गया लेकिन वहाँ का थोड़ा रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग थे इसके लिए, नहीं तो यहाँ पर जैसे क्या है मड़ई का घर है उसके लिए क्या गर्मी के लिए सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि थोड़ा ऊंचा करके ये लोग यहाँ पे बनाते हैं तो इसके लिए क्या थोड़ा गर्मी कम लगता है। जब ठंड का मौसम आता है तो ऊपर से ताल पत्री डाल देते हैं तो उसमें क्या पानी भी नहीं अंदर आएगा, ठंडा का ठंडा रहेगा, तो यही अच्छा रहता है सबसे अच्छा से। बस में तो जैसे यहाँ पे क्या है बस का वही सिस्टम है, बस में जैसे अगर आप टिकट लेते हो तो जैसे अगर आपको तमिल नहीं भी पता है तो भी अपन को मतलब स्टॉप का आपको नाम पता रहना चाहिए, मतलब इस स्टॉप पर मुझे जाना है तो जैसे इस स्टॉप का नाम आप बोल दोगे तो वो आपको उतना का टिकट देंगे, और जिस कंडक्टर को अगर इंग्लिश आता है तो आपको इंग्लिश में ही बात कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। बस ओके बाय। और आज एसी वाला भी रूम मिल गया हम लोगों को, तो काफ़ी टाइम के बाद मतलब जैसे किसी ऐसे जगह पर आए हैं जहाँ पर एसी वाला रूम मिला, तो आज एसी वाले रूम में ही सोएंगे एसी चालू करके, क्योंकि बाकी जगह पर तो पंखा मिल जाए वही बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पर जो मालिक है वो सब बहुत ही बड़ा मालिक है, तो उन्होंने जैसे कारपेंटर को अलग से एसी का रूम दिया है, पॉलिश वाले को अलग से एसी का रूम दिया है, पेंटर वाले को अलग से एसी का रूम दिया है, तो रूम भी काफ़ी अच्छा रूम है, एक रूम में कम से कम 4 से 5 लोग सो सकते हैं, और फ़ैन भी है, चाहे एसी रूम में सो चाहे फ़ैन वाले रूम में सो।